सांस्कृतिक महारैली एवं भीलबंदर शताब्दी मोर्चा के 9वें स्थापना दिवस पर आप सभी भीलबंदर स्टेडियम से और देश के अन्य कोने कोने से पधारे, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सहयोग समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और मैं दो पंक्ति की शायरी बोलना चाहूंगा कि मैं सब उन्हें चढ़ाता हूँ। बिल प्रदेश जी की जोत है नाम, बिल प्रदेश जी का सपना बिल प्रदेश है, फूलों से सजा देंगे धरती को, ग्यारहवीं ललकार पर जय जोहर का नारा गूंज उठा है हर शख्स की जुबान पर, बदल पर बदी है बेड़िया दिल मगर आजाद है, रक्त के अंतिम कतरे में भी बिल प्रदेश जिंदाबाद है, उग्रवाद चौहान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बात रखी साथियों। लेकिन बोलते हैं हम आदिवासी देश के मालिक हैं, लेकिन सुबह में उठते ही हम टूथपेस्ट लेते हैं बाजार वाला, यानी कि 100% हम डिपेंडेंट मार्केट पर डिपेंड है, तो वहीं से जो टूथपेस्ट लिया वहीं से हमारी गुलामी शुरू हो जाती है, तो हमारा स्वाभिमान क्या है, ये मेरा प्रश्न है। और यहाँ भी लोग पापड़ खाते हैं, आचार खाते हैं, सब कुछ खाते हैं जो, लेकिन इसको बनाने की मोनोपोली है जो भी है वो हम सीधा आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और अभी तक मेरे यहाँ 150 के लोग ऊपर आ चुके हैं जो झारखंड से हैं, लद्दाख से भी हैं, तेलंगाना के कई लोग आ चुके हैं और राजस्थान और महाराष्ट्र बार बार आते रहते हैं। और खेती बाड़ी कैसे करना है, ऑर्गेनिक जीवामृत कैसे बनाना है, जैविक खेती कैसे करना है, जो भी इच्छा आपकी दर है दिल में तो हम लोग सीधा सिखाने के लिए हमारी टीम तैयार है। धन्यवाद। और खो ने जो लड़ाई लड़ी थी पहले वो लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत के बंधारण में संविधान में भील प्रदेश या कोई भी प्रदेश के लिए प्रावधान किया गया है, फिर भी हमें क्यों नहीं मिलता। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बाकी सब राज्य, उत्तराखंड, ये सब अलग हो सकते हैं तो हमारा भील प्रदेश क्यों नहीं मुक्त हो सकता, क्योंकि इसके लिए एक विचारधारा चाहिए। और पहले जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी शायद विचारधारा की कमी होगी, लेकिन आज हमारे पास एक विचारधारा है और वो विचारधारा आदिवासी विचारधारा है, और इस आदिवासी विचारधारा को हम गांव गांव शहर शहर लेके जाएंगे, और लेके जाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, मैं लेके जाऊंगा और भील प्रदेश मुक्त करके रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और भील प्रदेश मुक्त करने के लिए हम युवा दल, ये हमारे इस भील प्रदेश मुक्त करने के लिए हम एक सोल्जर है, सोल्जर चाहे अपनी जान गवा दे लेकिन भील प्रदेश हम मुक्त करके रहेंगे। और इस आवाज को हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोग को कहते हैं कि इस देश की 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, तो हम मालिक होने के नाते हम हमारा हक मांगते हैं, भीख नहीं मांगते, तो हम हमारा हक लेके रहेंगे। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जय जोहर। और इसके पहले लास्ट में ये भी बोल देता हूँ, अगर भील प्रदेश मुक्त करवाने के लिए जान भी चाहिए तो पहली जान मैं दूंगा, साउथ गुजरात से मैं दूंगा। जय जोहर, जय भील प्रदेश, जोहर आपके। सबसे पहले हमारे पूर्वजों का नमन एवं जोहार। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। समय भी कम है और दादा ने पहले ही बोल दिया है कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ज्यादा करना है, और हमारे जो समाज जो परिवार अधिक से अधिक पढ़े लिखे करे और आगे जाए। और थोड़ा सा मैं भील प्रदेश के बारे में बता दूं, जब गुजरात के भाषा के आधार गुजराती गुजरात बन सकता है और राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थान बन सकता है, मराठी भाषा के आधार महाराष्ट्र बन सकता है, छत्तीसगढ़ भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ बन सकता है, मालवा की भाषा के आधार मध्य प्रदेश बन सकता है, फिर हमारे भील भाषा के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है।
अरे मान रहेगा सम्मान रहेगा, मान रहेगा सम्मान रहेगा। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। समय काफी कम है,